हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट होना है उसका नाम है टू वेरीफाई सुपरपोजिशन थ्योरम इन डीसी सर्किट। ठीक है, तो ये थ्योरी पढ़ लेना आप। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमें क्या क्या सामान चाहिए। अपैरेटस रिक्वायर्ड में आ जाएगा आपका डीसी वोल्ट मीटर। सो गाइस, ये हमारा डीसी वोल्ट मीटर है, इसकी रेंज दी है 0 से 20 वोल्ट। तो 0 से 20 20 मैक्सिमम 20 वोल्ट तक हम डीसी वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे आते हैं गाइस, डीसी एमीटर चाहिए एक, तो ये हमने ले लिया है डीसी एमीटर। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं, एक ब्रेडबोर्ड चाहिए होगा। सो गाइस, ये हमारा ब्रेडबोर्ड है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, सो गाइस थर्ड नंबर पे आते हैं, ब्रेडबोर्ड हमने देख लिया। फोर्थ नंबर पे बचा हमारा कनेक्टिंग वायर, सही है गाइस हमें 6। सो गाइस, ये हमने कनेक्टिंग वायर ले लिए। फिफ्थ नंबर पे आ जाते हैं सर क्लास फिफ्थ नंबर पे आ जाते हैं गाइस। फिफ्थ नंबर पे हमारा कार्बन रजिस्टर्स की क्वांटिटी, 3 रजिस्टेंस ले लेंगे, रजिस्टर्स ले लेंगे। ठीक है, सो गाइस ये हमने 3 रजिस्टेंस ले लिए रजिस्टर्स। सो गाइज, अब बात करते हैं सर्किट डायग्राम की। हमारा सर्किट डायग्राम है, यहाँ पे हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलते हैं, किसी भी लीनियर एंड बायलेटरल नेटवर्क में जब क्या होता है, टू या मोर देन टू सोर्सेज कनेक्टेड होते हैं, किसी भी ब्रांच में हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो उसमें कहाँ क्या अप्लाई होता है, सुपरपोजिशन थ्योरम से हम वो चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं। गाइज, ये देख सकते हैं हम, ये सर्किट डायग्राम है हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम का, जिसमें क्या होता है, दो वोल्टेज सोर्स हैं VDC1 एंड VDC2। ये हमारे 3 रेजिस्टेंस लगे, R1, R2 एंड R3। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, दोनों सोर्स के थ्रू इनकमिंग करंट है और आउटगोइंग कौन सा है, R3 में जो जाने वाला है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, I1 इनकमिंग है VDC1 के थ्रू जो आ रही है, I2 हमारी क्या है, I2 भी इनकमिंग है जो VDC2 के से आ रही है। तो जो इनकमिंग, आपको पता ही है कैसिल में हमने आपको बता दिया है, इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या होता है, आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग क्या है, I1 प्लस I1 और I2, आउटगोइंग क्या है, ओनली I। तो I जो आउटगोइंग है वो किसके इक्वल आएगी, I1 प्लस I2, आपको पता ही होगा। सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि किसी भी लीनियर एंड बायलेटरल नेटवर्क में क्या होता है, जब टू या मोर देन टू सोर्सेज कनेक्टेड होते हैं, वो किसी, तो हमें क्या करना होता है, किसी भी ब्रांच में अगर हमें क्या करना है, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या होता है, इनकमिंग जो आने वाली करंट है दोनों सोर्स के थ्रू और जाने वाली करंट है, तो उनका जो सम होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो I1 इनकमिंग इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आउट गोइंग करंट। तो आप देख रहे होंगे इनकमिंग हमारी I1 एंड I2 थी, आउट गोइंग ओनली I है। ठीक है, अब हम ये सर्किट डायग्राम ब्रेडबोर्ड पर डिज़ाइन करके आपको बताएंगे कैसे हम ये चीज़ फाइंड करेंगे। ठीक है, सो गाइज, हम ब्रेडबोर्ड पे सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, 3 रेजिस्टेंस पहले कनेक्ट कर दीजिए आप। ठीक है, आपने जैसा सर्किट डायग्राम में देखा ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा इतना सर्किट बन गया है। अब हमें क्या करना है, इसको सप्लाई देनी है दोनों सोर्स के थ्रू। आपने देखा है सर्किट डायग्राम में, एक बार फिर से देख, ये सर्किट डायग्राम जैसे हमने क्या करी, ये R1 R2 एंड R3 तो कनेक्ट कर दिया। देखो R3 के सीरीज़ में क्या कनेक्टेड है, एमीटर। ठीक है, क्योंकि हमें वेरीफाई करना है दोनों सोर्स के थ्रू आने वाली करंट और जाने वाली करंट। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम है, फिर से मैं ये बना रहा हूँ। आप ये देखो, ये ब्रेडबोर्ड पर हमने यही सर्किट डायग्राम बना दिया है, ये वाला, सॉरी फर्स्ट वाला। सो गाइज, ये हमारे दो सोर्स हैं, वोल्टेज सोर्स हैं, ये V1 एंड V2। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों से वायर ले रहे हैं, V1 कनेक्ट कर रहे हैं, ये वाला V1 कनेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा क्या है, R1 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, वैसे ही नेगेटिव वाला लिया, ये देखो नेगेटिव वाला लिया, और कहाँ पे देना है, जहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, R2 कनेक्टेड है। ठीक, सेम वैसे ही दूसरे वोल्टेज सोर्स का टर्मिनल लेंगे, पॉजिटिव वाला, वो देंगे कहाँ पे, R3 पे। ये देखो गाइस, दिख रहा होगा आसानी से,
ये देखो ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, कहाँ पे, आर थ्री पे, ठीक है। वैसे ही वी एस, जो वी एस टू है वोल्टेज सोर्स, जो हमारा सेकंड वाला है उसका नेगेटिव वाला लेंगे, और जहाँ पे हमारा बैटरी का, बैटरी वन का जो नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है वहीं पे लगा देंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये तीनों हमारे क्या हो गए, एक ही लाइन में आ गए हैं। हमें पता है हॉरिजॉन्टली हमारा क्या था, क्या होता है, 25 वोल्ट शॉर्टेड होते हैं, ठीक है। तो गाइज हमारा सर्किट कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है, इसमें मीटर कनेक्ट करना है, तभी जाके हमें पता चलेगा कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मीटर पे दो वायर लगाते हैं, ये हमने मीटर पे दो वायर लगा दिए गाइज। अब क्या करना है, मीटर को कनेक्ट करना है किसके सीरीज़ में, आर टू के सीरीज़ में। तो आर टू हमारा ये है, R2 के सीरीज़ में कनेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ठीक। अब R2 के सीरीज़ में लगेगा ये पॉजिटिव वाला, और नेगेटिव वाला चले जाएगा आपका जहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है दोनों सप्लाई के, दोनों सोर्स के। तो आप देख पा रहे होंगे, ये देखो R2 के सीरीज़ में हमारा आ गया एमीटर, ये R2 वाली वायर आ रही है पूरी, ये देखो R2 वाली, ठीक। ये एमीटर पे गया, एमीटर का जो नेगेटिव वाला है वो कहाँ चले गया, जहाँ पे हमारी नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वोल्ट मीटर लगाना है, तभी जाके हमें पता चलेगा कि जो V1 जो सोर्स है वोल्टेज है उसके थ्रू कितनी वोल्टेज हमने अप्लाई की है, और V2 के अक्रॉस भी कितनी वोल्टेज हमने अप्लाई की है। सो गाइस, जब हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे, बैटरी तो हमने कनेक्ट कर दी है दोनों साइड, दो वोल्टेज सोर्स हमने कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे किसके अक्रॉस, बैटरी के अक्रॉस, जहाँ जहाँ पे बैटरी के टर्मिनल कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हम बैटरी का पॉजिटिव ले रहे हैं, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव कहाँ जाएगा, बैटरी के पॉजिटिव वाले साइड पर। बैटरी का वोल्ट मीटर का नेगेटिव कहाँ जाएगा, बैटरी के नेगेटिव वाले साइड में। देखो गाइज ये आगे लग गया था, क्योंकि हमें पता है 25 वोल्ट शॉर्टेड होते हैं, तो फिर मैं ये यहीं पे लगा रहा हूँ जहाँ पे 25 वोल्ट हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लगाऊंगा तो हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, आगे करंट पास नहीं हो पाएगी, सर्किट ओपन रहेगा। अब दूसरा वोल्ट मीटर लगाता हूँ गाइज, ये दूसरा वोल्ट मीटर ले रहा हूँ, दूसरे वोल्ट मीटर की पॉजिटिव वायर ले रहा हूँ पहले, ये वाला ले लिया, ये कहाँ जाएगा, जहाँ पे हमारा वोल्टेज सोर्स वन का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, ये मैंने लगा दिया यहाँ पे। फिर नेगेटिव वाला कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे हमारा वोल्टेज सोर्स वन का नेगेटिव वायर कनेक्टेड है, ये देखो। तो ये वाले वायर आ गए हमारी वोल्ट मीटर की, पैरेलल में लग गया किसके अक्रॉस, V1 के, V1 हमारा कौन सा था, ये दोनों, ठीक है। अब फिर V2 वोल्टेज सोर्स हमारा कौन सा है, वोल्टेज सोर्स 2 हमारा ये लगा है, वोल्टेज सोर्स 2 का इधर से लगा है, उसके पैरेलल में लगा दिया हमने वोल्ट मीटर। सो ये आप देख सकते हैं गाइस, वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड R1 के अक्रॉस, वोल्टेज सोर्स 2 कनेक्टेड R3 के अक्रॉस, ही हमने R3 दिया है इसके अक्रॉस, ठीक है। ये हमें मीटर कनेक्ट कर रखा है, ये वाला सॉरी, ये मीटर कनेक्ट है किसके, R2 के सीरीज़ में, R2 के सीरीज़ में ये वाली वायर है मीटर की, ये दोनों, ठीक है, ये वाली। अब हम इसे ऑन करते हैं गाइस, सप्लाई ऑन कर देते हैं। सो गाइस अब हमने सप्लाई ऑन कर दी है, तो ये वाला दिखा रहा है VS1 के थ्रू कितना वोल्टेज जनरेट हमने अप्लाई किया है, ये दिखा रहा है हमारा VS2 के थ्रू हमने कितना वोल्टेज अप्लाई किया, और ये दिखा रहा है 9.9 जो मिली एम्पीयर आ रही है, ये क्या है, दोनों के थ्रू हमारी क्या है, आई है, I1 इसके थ्रू हो रही है V1 के थ्रू, I2 किसके कारण हो रही है, VS2 के कारण, और जो ये आई आ रही है हमारी कितनी है, 9.9। अब हमें ये वेरीफाई करना है I = क्या है, I1 + I2, ठीक है। ये वेरीफाई करना है कि ये I1 + I2 जो आ रहा है वो I के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम ये वेरीफाई करते हैं,
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वन बाई वन करके हमें क्या करना पड़ता है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना पड़ता है। फर्स्टली अगर यदि हम इसको ले रहे हैं VS1 को ऑन कंडीशन में रख रहे हैं, तो VS2 को क्या करेंगे, इसका जो इसको शॉर्ट कर देंगे VS2 को, क्योंकि हमें पता है कि जो वोल्टेज सोर्स होता है जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़ीरो होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इनके जो ये वायर है इसको आपस में शॉर्ट करके पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को शॉर्ट कर देंगे। मतलब शॉर्ट करने से क्या हो जाएगा, जीरो में रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है शॉर्ट सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है कितना होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, एक मिनट गाइस। सो गाइस, तो हमने VS2 को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब देखो जो हमारी ये अभी करंट आ रही है ना, ये हमारी I1, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो एक्टिव है वो VS1 ही एक्टिव है, VS2 हमने क्या कर दिया, डिसकनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो VS1 के थ्रू जो करंट आ रही है I1 वो कितनी है, 5.6। सो गाइस, ये हमारी I1 आई है 7.6। ठीक है, अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमने VS1 के लिए लिया है, सेम वैसे ही VS2 के थ्रू देखते हैं कि इसके कारण कितनी करंट जा रही है, किस में, जो हमारा R2 लगा है ये बीच में, इसमें कितना करंट जा रहा है अब VS2 के कारण। ठीक है, VS1 के थ्रू तो हमने देख लिया कि कितना करंट फ्लो हो रहा है हमारा, किस में, जो हमारा ये R2 लगा है। ठीक है, वैसे ही हम फिर से चेक करेंगे VS2 के लिए। सो गाइस, अब हम चेक कर सकते हैं कि V2 सोर्स जब हमारा एक्टिव है तो उसके कारण कितनी करंट फ्लो हो रही है, सॉरी ये डिसकनेक्ट हो रहा है यहाँ से, ये हो रहा है 3.5। ठीक है, ये आ रहा है 3.7 करंट आ रहा है, किसके कारण, जब हमने VS2 सोर्स कनेक्टेड है हमारा, तो उसके कारण जो करंट फ्लो हो रही है किस में, इस वाले रेजिस्टेंस में, इस वाले में, तो कितनी हो रही है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.7। ठीक है, तो लिख देते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल पे। सो गाइस, पहले भी मैंने दिखा दिया था आपको, अब देख सकते हैं हम, जो हमारे दोनों, जब हमारे दोनों सोर्स कनेक्टेड है तब जो करंट आ रही है कितनी आ रही है, 9.3 आ रही है, किसके कारण, R2 में जो फ्लो हो रहा है। देखो हमारा वही हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, तो गाइज़ ये हमारा वेरीफाई हो रहा है, हमारा जो जब हमने मेज़र किया तो 9.3 करंट आई थी, अब जो हमारी आई आ रही है वो कितनी आ रही है, 5.6 प्लस 3.7, तो ये आ गया हमारा 9.3 मिली एम्पियर। होप सो गाइज, आपको समझ में आया होगा, फिर भी किसी को लगता है कि कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।